दोस्तों, हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल में जो कबीलाई समाज था कबीलाई समाज में क्षेत्रीय भावना पैदा हो गई। ओके, और हुआ ये कि बहुत सारे कबीले आपस में मिलते चले गए। देखिए, एक तो उत्तर वैदिक काल की विशेषता यह है कि उत्तर वैदिक काल से के बाद जो कबीलों के अंदर एक कहते हैं कि क्षेत्रीय भावना जागृत हो गई थी और छोटे छोटे कबीले जो थे वो बड़े बड़े कबीलों में कन्वर्ट होने लगे थे। एक बात तो ये, दूसरा प्लस हुआ ये कि लोहे की खोज ने कृषि में भारी परिवर्तन लाए। ओके, बहुत सारे कबीले आपस में मिलते चले गए, लोहे की खोज हो गई जिससे कृषि में भारी परिवर्तन आया और कृषि अधिशेष और इसी कृषि अधिशेष से व्यापार को बढ़ावा मिला। ओके, ये दोनों ही रिजल्ट, एक तो क्षेत्र का बड़ा हो जाना, ऊपर से उस बड़े क्षेत्र में व्यापार का ज्यादा बढ़ जाना, इन्होंने दूसरी नगरीय क्रांति को जन्म, पहले कब हुई थी? सैंधव सभ्यता में। दूसरी नगरीय क्रांति को जन्म दिया। पहली नगरीय क्रांति कब हुई थी? पहली हुई थी सैंधव सभ्यता में। तो जब दूसरी बार नगर बनने का जो क्रम शुरू हुआ, इन्हीं बातों ने, मतलब इन्हीं सब फैक्टर्स ने, नगरीय क्रांति हुई, कृषि अधिशेष, इस सब से महाजनपदों का उदय हुआ, मतलब बड़े बड़े साम्राज्यों का। ओके, अब सवाल ये आता है कि जैसे मैंने आपको, अगर मैं ये कहता हूं कि जी 16 महाजनपद हुए हैं, तो आपके दिमाग में सवाल आता होगा, जी आपको कैसे पता 16 महाजनपद हुए हैं, या इस बात का कोई प्रूफ है कि 16 महाजनपद हुए थे? तो मैं बताऊं कि इनकी संख्या 16 है, इनकी संख्या है 16। ओके, इनके बारे में जानकारी देता है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय कौन से? भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। जैन धर्म का ये ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है, और इन दोनों ही ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो वो 16 है। तो सबसे पहले 16 महाजनपदों की सूची कहां मिलती है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। तो इन 16 महाजनपदों में जो मोस्ट महत्वपूर्ण है, जैसे
काशी, अंग, मगध, अवंती, कंबोज, गांधार, वत्स, कुरु, ईटीसी। मेरा कहने का मतलब है ये 16 महाजनपद थे, मैंने कुछ इंपोर्टेंट आपको बता दिए हैं। इनकी राजधानी जैसे काशी की राजधानी वाराणसी थी, अंग देश की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगृह, अवंती की बेसिकली दो राजधानी थी, बड़ा क्षेत्र था, तो उत्तरी अवंती की उज्जैनी, और माहिष्मती। ओके, कंबोज की राजधानी लाजपुर अथवा हटक। ओके, गांधार की तक्षशिला, वत्सों की राजधानी कौशाम्बी, और कुरुओं की राजधानी इंद्रप्रस्थ। आप समझ जाइए कि जो 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इनमें से कुछ महाजनपद ये थे कि काशी, अंग, मगध, अवंती, कंबोज, गांधार, वत्स और कुरु। मसला अब ये था कि पहले जो संघर्ष कबीलों में शुरू हुआ, कबीलों से महाजनपद बन गए, तो अब संघर्ष की जो बारी थी वो महाजनपदों में थी कि कौन सा महाजनपद सर्वोच्च होगा। तो अब इन महाजनपदों में क्या होना शुरू हुआ, इन महाजनपदों में संघर्ष होना शुरू हुआ। महाजनपदों में संघर्ष प्रारंभ होता है और इन महाजनपदों में सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद कौन सा उभर के सामने आया, मगध। और शीघ्र ही मगध ने सर्वोच्चता हासिल कर ली। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो इतिहास है वो मगध के इतिहास के आसपास घूमता है, ठीक है। यानी कि मगध सर्वोच्च बन गया था, मगध जो था वो सेंटर सेंटर पॉइंट था नॉर्थ इंडिया की राजनीति का। जो मगध में होता था उस सब का प्रभाव पूरे नॉर्थ इंडिया पे देखा जाता था। ओके, और बाद में मगध के राजाओं ने बहुत सारे उत्तर भारत के लगभग सभी इन महाजनपदों को जीत भी लिया था बाद में, जो मगध के राजा बनते चले गए। ओके, तो शीघ्र ही मगध ने क्या हासिल कर ली, सर्वोच्चता। मैंने आपसे कहा कि जी मगध का इतिहास बाद में सबसे महत्वपूर्ण इतिहास था, किसका, मगध का। तो मगध पर नो डाउट राजा बनेगा, तो कौन सा वंश था जिसने मगध को उसकी वास्तविक पहचान दिलवाई, तो मगध पर स्थापित करने वाला था हिर्यक वंश। कौन सा वंश, हिर्यक वंश। ओके, समझ जाइए कि उत्तर वैदिक काल में जो कबीलाई समाज था उसमें क्षेत्रीय भावना पैदा हो गई थी, बहुत सारे कबीले आपस में मिल गए। दूसरा, लोहे की खोज ने कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। दूसरी, नगरी क्रांति का जन्म हुआ। महाजनपदों का उदय होता है, संख्या इनकी 16 थी। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में इनके बारे में जानकारी मिलती है, 16 महाजन सूची मिलती है। ये 16 महाजन कुछ प्रमुख महाजनपद हैं, ये उनकी राजधानियां हैं। बाद में इनमें भी संघर्ष शुरू हुआ और इस संघर्ष में मतलब कौन फेमस हो गया, मगध। और मगध के आसपास मगध का जो इतिहास था वो बेसिकली पूरे उत्तर भारत का इतिहास बनकर रह गया। ओके, कुछ समय तक, ठीक। अब इस वंश को स्टैब्लिश करने वाला है बिंबिसार।
ये कहानी जो बिंबिसार और हिरण्यक वंश से शुरू होगी, बाद में देखते हैं कि मौर्य तक जाती है, फिर गुप्त काल तक। लेकिन अब एक सवाल माइंड में उठना चाहिए कि जी आप जिसको मगध कह रहे हैं, ये बेसिकली मगध है कहाँ तक? तो मैं बता दिया कि इन्हीं महाजनपदों में से था मगध। अब शुरू करते हैं मगध और हिरण्यक वंश के इतिहास के साथ, हम मगध की कहानी को शुरू करते हैं और देखेंगे मगध की कहानी के साथ ही इन 16 महाजनपदों की कहानी इनके आसपास ही घूमती रहती है। ओके, हिरण्यक वंश। देखिए इस वंश का संस्थापक बिंबिसार है। देखिए वो बिंबिसार ही है जिसने मगध को एक सही मायने में पहचान दिलवाई कि मगध जो है वो आने वाले समय का क्या है, वो आने वाले समय का उत्तर भारत की राजनीति डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा, मगध और मगध की राजनीति। तो जान आगे चलने से पहले हम देख लीजिए कि मगध आखिरकार है कहां तक। तो मगध उत्तरी सीमा इसकी गंगा नदी है। ओके, इधर गंगा, नर्मदा, इधर विंध्य पर्वत, इसके बीच में है ये मगध साम्राज्य है। ओके, तो इस मगध साम्राज्य को पहचान दिलवाने वाला वंश हिरण्यक वंश है और इस वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। आइए देखते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार पहला पॉइंट यही कि ये हिरण्यक वंश का संस्थापक है। ओके, भगवान बुद्ध के समकालीन था ये। समकालीन वे इनका मित्र था। कौन किसका मित्र है? हिरण्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन है और हिरण्यक वंश संस्थापक था ये। इसकी राजधानी है राजगृह या राजगीर। ओके, इसी के दरबार में प्रसिद्ध राजवैद जीवक रहा करता था। ओके, मगध के पास ही पड़ता था अवंती। उस समय अवंती का राजा था प्रसेनजीत। कहते हैं कि एक बार प्रसेनजीत को पीलिया हो गया, पांडु रोग जिसे बोलते थे। तो अवंती नरेश प्रसेनजीत की चिकित्सा करने के लिए इसने जीवक को भेजा था। अवंती नरेश चंड प्रदोत को पांडु रोग से मुक्त किया था। समझ गए आप? यानी कि नो डाउट अवंती नरेश से इसकी क्या थी? दोस्ती थी, तभी तो अपने राजवैद्य जीवक को कहां भेजा? चंड प्रदोत की चिकित्सा करने के लिए और उसको पांडु रोग से मुक्त करवाया। कौन? बिंबिसार। देखिए इसका पुत्र है कुणिक। कुणिक इसने
किसने, कुणिक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। कुणिक यही व्यक्ति है अजात शत्रु, कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। देखिए बिंबिसार का लड़का है अजात शत्रु, इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और ये खुद कहां बैठ गया, ये खुद गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो हुआ ये कि इसका अब अगला शासक है हमारा अजात शत्रु। अजात शत्रु इसने किसकी हत्या की है, अपने पिता की। इसे पितृहंता भी कहा जाता है। अर्थात पिता की हत्या करने वाला। ओके, देखो ये महाजनपद जिस समय अस्तित्व में थे, भगवान बुद्ध के समकालीन बताया जाता है कि 10 गणराज्य भी अस्तित्व में थे, जहां रिपब्लिकन टाइप्स जो गणराज्य होते हैं तो वो भी क्या थे, अस्तित्व में थे। एक ऐसा ही गणराज्य था वज्जि संघ। कौन सा, वज्जि संघ। वज्जि संघ को तोड़ना इसके लिए एक बहुत टेढ़ी खीर बन गया था, और वज्जि संघ की जो प्रॉस्पेरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसके लिए क्या बन गई थी, एक कहते हैं कि एक छिड़की वजह बन गई थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, और भी बहुत सारे रीजन थे, कुछ पारिवारिक मसले भी इसके बताए जाते हैं, तो इसने वज्जि संघ में फूट डलवाने के लिए इसने अपने मंत्री वस्कार, ये आप नाम याद रखेंगे, की सहायता से वज्जि संघ में फूट डलवा दी। किसमें, वज्जि संघ में, और युद्ध में परास्त किया। यह युद्ध दो बातों के लिए और फेमस है कि इसी युद्ध में अजात शत्रु ने दो हथियार, रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक दो हथियार प्रयोग किए थे। कौन सा, एक तो हथियार था रथमूसल और दूसरा कौन, महाशिला कंटक, इनका प्रयोग किया था वज्जियों का दमन करने के लिए। किसने, अजात शत्रु ने। तो आप समझ जाए कि इसे पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि इसने पिता की हत्या की थी, और इसने अपने मंत्री वस्कार की सहायता से वज्जि संघ में क्या डलवा दी, फूट डलवा दी। युद्ध में परास्त हुआ वज्जि संघ, ओके। तो इस वज्जि संघ के परास्त होने की स्थिति, परास्त करने के लिए इसने दो हथियारों का प्रयोग किया था, दैट इज रथमूसल और महाशिला कंटक। देखिए इसका घटनाक्रम दो बातों के लिए और मशहूर है कि इसी के काल में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, महापरिनिर्वाण, निर्वाण प्राप्त हुआ, ओके। अतः इसी के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। राजगृह में, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस बोध संगीति में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था,
क्योंकि मैं इसके बारे में आपको जैन और बुद्धिज्म में जब पढ़ा बुद्धिज्म धर्म में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में आपको विस्तृत से जानकारी दूंगा मैं। लेकिन आप समझ जाइए कि प्रथम बोध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में, जो टाइम पीरियड है इसका 483 ईस्वी पूर्व है, वो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी और प्रथम बोध संगीति अजातशत्रु। ओके, इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। देखो, बिंबिसार की हत्या करी अजातशत्रु ने, अजातशत्रु हत्या किसने करी? उदयन ने। तो एक तरीके से यहां तो पिता को मारने का एक तरीके से आप देख सकते रिवाज चल गया। ठीक है, तो कहते हैं कि हर्यक वंश को इसीलिए पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ओके, देखते हैं जरा उदयन। तो देखा हमने कि अजात शत्रु की हत्या इसका पुत्र उदयन कर देता है। ओके, तो मगध पर हिर्यक वंश या पितृहंता वंश का अगला शासक है उदयन। इसने गंगा व सोन नदी के संगम पर मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए ये गंगा है तो गंगा की एक सहायक नदी है सोन, जो दक्षिण भारत से उत्तर की तरफ जाती हुई मिलती है। तो इसके संगम पर एक शहर बसा दिया। कौन सा? एक शहर बसाया कुसुमपुर। इसी को क्या कहा गया? पाटलिपुत्र। नदी के संगम पर क्या बसाया? कुसुमपुर या पाटलिपुत्र। तो आप समझ जाइए कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला शासक उदयन है। पहले दो राजा अजातशत्रु और बिंबिसार की राजधानी राजगृह या राजगीर थी। बाद में जब उदयन अपने पिता की हत्या करने के बाद शासक बना तो उदयन ने क्या किया दोस्तों, कि उदयन ने गंगा व सोन नदी के संगम पर एक शहर बसा दिया कुसुमपुर। ये कुसुमपुर बाद में क्या बनी? मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। यह जैन धर्म का अनुयायी था। ये किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। देखो, कहते हैं कि उदयन के बाद हिर्यक वंश में कमजोर शासक हुए। ऐसा ही एक शासक था नागदशक। कौन? नागदशक। इसकी हत्या एक आमात्या शिशुनाग ने कर दी। चार सौ बारह ईस्वी पूर्व। तो मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है कि जी हिर्यक वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, तो आप मैं बता दूं कि हिर्यक वंश का टाइम पीरियड 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक रहा। उदयन की हत्या करने वाला है इन्हीं का एक आमत्य है। कौन? शिशुनाग। किसकी? नागदशक की। तो नागदशक क्या हो गया? नागदशक इस प्रकार
हिरण्यक वंश का अंतिम शासक हुआ। तो अगर आपसे मैं पूछूं दोस्तों कि हिरण्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हिरण्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक है, जिसकी हत्या किसने की है, इसी के एक अधिकारी शिशुनाग ने 412 ईस्वी में। अगर हिरण्यक वंश का टाइम पीरियड पूछे आपसे, तो हिरण्यक वंश का जो शासन काल रहा पांच सौ चवालीस ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक हिरण्यक वंश शासन रहा, कहाँ, मगध पर। ओके, तो इसकी हत्या किसने कर दी, शिशुनाग ने। इसने शिशुनाग वंश की नींव रखी। ओके, इस वंश का दो राजा बड़े महत्वपूर्ण हैं, कौन से कौन से, एक तो ये खुद शिशुनाग, एक कालाशोक। दो इंपोर्टेंट शासक हुए शिशुनाग वंश में, कौन सा शासक है, एक तो खुद स्वयं शिशुनाग, एक कालाशोक। शिशुनाग ने अवंती व वत्स को जीत लिया। आप समझ जाइए मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए, मैंने आपको चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात बताई थी कि 16 महाजनपदों में बाद में सबसे स्ट्रांग पोजीशन में मगध आया। मगध ने या तो बहुत सारे साम्राज्य जीत लिए या और बाकी साम्राज्य ने मगध की अधीनता स्वीकार कर ली। तो देख लीजिए, अजात शत्रु के टाइम पीरियड से शुरू हुई ये कहानी शिशुनाग तक आ पहुंची है। कौन कौन जीत लिया गया है, अवंती व वत्स। राजधानी क्या है अवंती की, क्या थी, कौशाम्बी। अवंती में तक दो राजा थे, उज्जैनी और महिष्मती। ओके, कहां मिला लिया जाता है, मगध में मिला लिया गया। दूसरा, इसने वज्जियों पर नियंत्रण करने के लिए वैशाली दूसरी राजधानी बनाई। पहली राजधानी कौन सी है, पाटलिपुत्र समय में। ओके, इसकी मृत्यु के बाद कालाशोक सत्ता पर बैठा। इसके शासनकाल की विशेषता यह कि इसने वैशाली राजधानी समाप्त कर दी और केवल एक ही राजधानी रही मगध साम्राज्य की, कौन सी, पाटलिपुत्र। वैशाली राजधानी क्या करी, समाप्त, और केवल एक ही राजधानी रही, कौन सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहते हैं कि पाटलिपुत्र इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट शहर हो गया था। पाटलिपुत्र बेसिकली क्या था, पूरे नॉर्थ इंडिया के राजनीतिक केंद्र था पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना के आसपास पड़ता है। ओके, कालाशोक ने जो राजधानी इसने बनाई थी कि भाई वज्जियों पर नियंत्रण किया जाए, तो दूसरी एक और राजधानी बना ली वैशाली। इसको लगा कि नहीं, वैशाली नहीं, केवल एक ही राजधानी रहेगी, दैट इज पाटलिपुत्र। ओके, इसी के काल में द्वितीय बोध संगीति हुई। बोध संगीति पाटलिपुत्र में, मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल कतई कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि जी ये बोध संगीतियों में क्या हुआ था। मैं आपको जब बोध पढ़ाऊंगा तो मैं इन आपको बोध संगीतियों के अच्छे से आपको बताऊंगा। देखिए, पहला वंश हिरण्यक वंश, दूसरा वंश शिशुनाग वंश, दो राजा हो गए। इनकी सत्ता को खत्म करने वाला था महानंदिन। ओके, इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, इस वंश का अंतिम शासक
नंदीवर्धन था। ओके, इसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी, निकर नंद वंश की नींव रखी। ओके, देखते हैं नंद वंश के बारे में। तो आपने देखा कि शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा, महापद्म नंद के द्वारा। और महापद्म नंद ने मगध पर नंद वंश की नींव रखी। ओके, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भारत के इतिहास में इस नंद वंश में आता है कि नंद वंश के आठवें शासक धनानंद के समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। ठीक है, तो जब हम इस नंद वंश को पढ़ रहे होंगे तो हम तीन चीजों पर गौर करेंगे, एक तो महापद्म नंद की भूमिका, दूसरा धनानंद के बारे में, तीसरा धनानंद का चाणक्य से झगड़ा और चाणक्य का चंद्रगुप्त मौर्य का इस्तेमाल करना नंद वंश को खत्म करने के लिए, दूसरा भारत पर सिकंदर का आक्रमण। तो धनानंद का जो टाइम पीरियड है वो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक तो चाणक्य वाला विवाद सामने आता है, दूसरा धनानंद की नीतियां भी ठीक नहीं थी, अत्याचारी शासक था, तो और एक और ये अपना सिकंदर के आक्रमण की वजह से। देखते हैं महापद्म नंद, तो इसका पहला शासक कौन है, सत्ता पर बैठा महापद्म नंद। ओके, इसे दूसरा परशुराम का अवतार कहा जाता है, दूसरा परशुराम। क्यों फेमस थे परशुराम, परशुराम फेमस थे, कहते हैं कि परशुराम ने एक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया था। परशुराम क्यों, क्षत्रियों का विनाश करने के कारण। क्या कहते हैं इसको, दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। किसे, महापद्म नंद को। इसने एक राठ और एक छत्र जैसी उपाधियां ली थी। ओके, मैं बता दूं दोस्तों कि नंद वंश में कुल आठ शासक हुए और इनका आठवां शासक है धनानंद, आठवां शासक हुआ धनानंद। तो ये महापद्म नंद का पुत्र नहीं है, ये इसका आठवां शासक है धनानंद। कहते हैं कि इसके पास, मतलब कहते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना बड़ा धन दौलत थी कि धनानंद को धनवानों का राजकुमार कहा जाता है। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि धनानंद के समय में ही चाणक्य का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भारत में जो चाणक्य के नाम से परिचित ना हो, राजनीति विज्ञान का प्रकांड विद्वान था। कौन, चाणक्य। कहते हैं कि धनानंद के दरबार में ही चाणक्य रहा करता था। एक बार किसी उत्सव के दौरान धनानंद ने कुछ इसके विरोध में कोई बातें कह दी तो उसने धनानंद को दरबार से अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। कहते हैं कि तभी धनानंद ने शपथ ली थी कि वो धनानंद और नंद वंश का समूल नाश कर देगा, और क्या करेगा कि सर्वमूल विनाश करने की शपथ ली थी। किसने, चाणक्य ने। तो इसका घटनाक्रम जो काल है धनानंद का, वो एक तो चाणक्य से विवाद के कारण प्रसिद्ध हुआ, एक फैक्टर तो ये है कि इसका विवाद किससे हुआ था, चाणक्य से विवाद हुआ। दूसरा इसका टाइम पीरियड फेमस है सिकंदर के आक्रमण के लिए,
दो बातों के लिए इसका काल प्रसिद्ध है, कौन सा कौन सा? एक तो इसके काल में चाणक्य से इसका विवाद होता है, दूसरा सिकंदर का आक्रमण इसी के समय में हुआ भारत में। हालांकि सिकंदर मगध तक पहुंचा नहीं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जिस समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ तो उस समय मगध पर किस वंश का शासन था? नंद वंश का, और शासक कौन है? धनानंद। तो विवाद किससे हुआ? चाणक्य। देखिए चाणक्य जो है इसी को बोलते हैं कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ओके, इसने अपने अपमान के प्रतिशोध में नंद वंश के विनाश की शपथ ली थी। आप समझिए जरा एक बार दोबारा, देखिए कोशिश करिए समझने की। मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्जाम में कॉपी नहीं जाती है, एग्जाम में दिमाग जाता है। तो जो फिकर जो आपके माइंड में सेट हो जाएगा वही आपके लिए बड़ा मतलब यूजफुल होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ जाइए, नंद वंश ने, नंद वंश संस्थापक महापद्म नंद, ये चूंकि कहते हैं कि ये शूद्र जाति से था, निम्न जाति से था, अतः ये ऊंची कुल की जाति है। जैसे क्षत्रियों से शासन कौन करते थे? क्षत्रिय। तो ये क्षत्रियों का बड़ा एंटी था, बड़ा विरोधी था, और कहते हैं कि इसने क्षत्रियों का विनाश करने की शपथ ली थी। अब या तो ये हुए क्षत्रिय विनाश करने वाले, एक व्यक्ति हुए थे पहले परशुराम, ठीक है, तो इसको दूसरा परशुराम कहा जाता है। इसने एकनाट और एक छत्र जैसी उपाधियां भी ली। इस वंश में कुल 8 सुंदर शासक हुए। किस वंश में? नंद वंश में। और इसका 8वां शासक है धनानंद। इसको विरासत में इतना बड़ा साम्राज्य मिला, इतना बड़ा पैसा मिला, लोगों ने कहा धनवानों का राजकुमार है ये तो, ठीक है। लेकिन दंभी, अज्ञानी, अविवेकी शासक धनानंद का शासनकाल बहुत ज्यादा तक टिक, ऐसे राजा का टाइम शासनकाल बहुत लंबे समय नहीं टिक सकता। तो इसका झगड़ा हो गया किसी विषय को लेकर उस समय के राजनीति विज्ञान के प्रकांड पंडित किससे? चाणक्य से। इसी चाणक्य को क्या बोलते हैं? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इसने कहा कि मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा, और मैं शपथ लेता हूं कि जब तक मैं इस नंद वंश का समूल खात्मा नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी चुटिया नहीं कटवाऊंगा। ब्राह्मण व्यक्ति था, चुटिया रखता था, ओके। लेकिन ऐसे ये खुद तो लड़ नहीं सकता था, इसको रिक्वायरमेंट थी कि किसको अपने एक तरीके से मोहरे की तरह वो इस्तेमाल करे। इसी क्रम में कहते हैं, मैं आपको छोटी सी कहानी बता देता हूं, कि जब आचार्य चाणक्य जा रहे थे तो तभी उन्होंने देखा कि एक बच्चा एक टीले पर बैठा हुआ है और एक खेल खेल रहे थे कुछ बच्चे आपस में वहां। तो जो बाकी जो बच्चे थे वो सामने अपनी समस्या लेकर आते थे कि ऐसा हो गया, इसने मेरे साथ चोरी करी, गद्दारी करी है, जो भी किया, तो वो उनको अपने फैसला था कि आपने ऐसा क्यों किया। तो एक तरीके से उसको आर्टिफिशियल राजा बनाया हुआ था बच्चों ने, और बच्चे क्या बने हुए थे? फरियादी। इस खेल को बोलते हैं चोलकीलम। चोलकीलम खेलता हुआ ये इस बालक पर चाणक्य की नजर पड़ी, और इस व्यक्ति में, इस बच्चे में चाणक्य को नजर आई बहुत अद्वितीय प्रतिभा। बाद में जाके पता चला कि यही बालक है चंद्रगुप्त। लेकिन चाणक्य जो है, मैं बता दूं कि चाणक्य कहता है कि जाति व्यवस्था में बड़ा विश्वास करता था। चाणक्य का ये कहना था कि अगर कोई व्यक्ति राजा है और निम्न कुल का है तो भी प्रजा उसका सम्मान नहीं करेगी, अगर ऊंचे कुल का राजा एक कमजोर शासक भी है तो भी जनता उसके ऊंचे बिरादरी होते उसको क्या करती है? सम्मान करती है। यानी कि आप समझ जाइए कि शाही खून और ऊंचे जाति का राजा बिठाने के प्रति जिसकी सोच थी वो रूढ़िवादी थी। ये सोच क्या कहता था? कि राजा केवल ऊंची जाति में ही पैदा हो सकते हैं, या ऊंची जाति के व्यक्ति को ही राजा बनना चाहिए। अब अगर ये चंद्रगुप्त को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है तो सबसे पहली बात तो ये थी कि चंद्रगुप्त मौर्य को ये जाति की पहचान करे। जाति की पहचान के बारे में जो विवाद हुए हैं वो मैं आपको मौर्य साम्राज्य में जब चंद्रगुप्त पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिस्कस करूंगा कि वास्तव में इसको क्या माना गया और ये क्या था। लेकिन अभी उस समय क्या माना गया और आधुनिक इतिहासकार क्या मानते हैं, नो डाउट। तो इसने अपने अपमान के प्रतिशोध में नंद वंश के विनाश क्या ली? शपथ। और चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित किया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को।
ये एक अलग मसला है, इसको मैं अभी जब मौर्य वंश पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे धनानंद को उसके सत्ता से हटाया। लेकिन आइए सिकंदर के आक्रमण पर, तो पहले इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। सिकंदर का सामान्य परिचय, मकदूनिया के शासक फिलिप का लड़का था ये, फिलिप द्वितीय का लड़का था। ओके, गुरु कौन है इसके? अरस्तु या एरिस्टोटल इसके गुरु थे। ओके, इसका वैसे नाम है अलेक्जेंडर, इसको जो कि विश्व जीता था तो इसको द ग्रेट भी बोलते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओके, 326 ईस्वी पूर्व भारत की धरती पर कदम रखा। ओके, इसकी पहली मुलाकात होती है गांधार के युवराज अंबी से। अंबी ने इसको मार्ग दिखाया, ओके, और सेनाएं कहां तक पहुंच गई? सेनाएं झेलम के किनारे तक पहुंच गई, वितस्ता। कहां तक पहुंच गई सेनाएं? झेलम नदी के किनारे तक। झेलम के किनारे सिकंदर का युद्ध पुरु राजा पोरस की सेनाओं से हुआ। ओके, जिसमें राजा पोरस की हार हुई। इस युद्ध को बोलते हैं हाइड स्पीच का युद्ध। हाइड स्पीच या झेलम का युद्ध। कौन से युद्ध को? इस युद्ध को। ठीक है, आप समझ जाइए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही कि सिकंदर की सेनाएं कहां तक नहीं पहुंची? मगध तक नहीं पहुंची। कहते हैं कि इसकी सेना थक गई थी, रावी नदी को पार करना था, लेकिन रावी नदी किनारे से उल्टी लौट गई। दूसरा, प्लेग की समस्या भी हो चली थी सेना में। ओके, चल ठीक है, मैं इसका थोड़ा ऊपर बता देता हूं कि थोड़ा ऊपर आप देख लीजिए। इसने दो नगर भी बसाए थे, कौन से? एक नगर है निकैया, एक है बुकाफेला। निकैया का मतलब होता है विजय के, विजय नगर, विजय, विजयों का नगर, विजय का नगर, और बुकाफेला इसके घोड़े का नाम है। ओके, तो समझ जाइए कि इसने दो नगर ही बसाए थे और इसकी मृत्यु 323 ईसवी पूर्व बेबीलोन में हुई थी। मृत्यु भी याद रखेंगे इसकी, 323 ईसवी पूर्व बेबीलोन में।
इसकी मृत्यु होती है। किसकी? सिकंदर की। तो आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ, आप बेसिकली इस बात को समझिए कि आठवां शासक धनानंद है, धनवानों का राजकुमार कहा जाता है। एक तो चाणक्य से विवाद के कारण ये प्रसिद्ध रहा, दूसरा सिकंदर के आक्रमण के लिए इसका शासनकाल प्रसिद्ध रहा। इसी के शासनकाल में जो यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर भारत आया, उसके बारे में जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, और वापस भी लौट गया। लेकिन इसकी सेनाएं कहाँ तक नहीं पहुंची? इसकी सेनाएं मगध तक नहीं पहुंची। ओके, अब ये वाला चैप्टर तो क्लोज है, चैप्टर ये शुरू हो जाता है कि इनके बीच में क्या हुआ, डिस्कस करते हैं।